ये हार भी शायद जरूरी था हम लोगों के। आप लगातार जीतते हैं तो आपके मन में एक अहंकार पैदा होता है। ये नाव डूबी नहीं है, नाव में छेद हुआ है, पानी आ रहा है, आपको कह रहा है कि इस नाव की मरम्मत की जरूरत है। हमको भी संगठन का मैंने तजुर्बा है और लंबे समय तक हम झोला टांग करके राजनीति जो है किया है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को हार मिली तो बीजेपी को जीत मिली। अब इसी को लेकर महागठबंधन में जो तमाम पार्टी हैं वो अब मंथन करने वाली हैं, विधानसभा उपचुनाव में जो हार मिली है उसको लेकर समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही साथ अब इसको लेकर, इस हार को लेकर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। नहीं देखिए, हमको ऐसा लगता है कि ये हार भी शायद जरूरी था हम लोगों के लिए, इसलिए कि आप लगातार जीतते हैं तो आपके मन में एक अहंकार पैदा होता है और आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो सब सही ही होगा। ये जो कुढ़नी का नतीजा आया है इसने चेतावनी दिया है कि देखिए आप मैंने अहंकार में मत डूबे रहिए, आप जो है सोच समझ करके निर्णय लीजिए। तो अभी 2024 में समय है और हम ये मानते हैं कि महागठबंधन का जो आधार है, चाहे जिस कारण से कुढ़नी में उसने पूरा आधार जो है वो एक साथ जुट करके वोट नहीं किया हो, लेकिन आज के दिन भी वो आधार इतना मजबूत है कि अगर कायदे से उसको संगठित करके एक दिशा में जो सामने वस्तु स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार जो है 2024 का चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको माने ऐसा नहीं ले रहे हैं कि इससे हमारी नाव डूब गई। ये नाव डूबी नहीं है, नाव में छेद हुआ है, पानी आ रहा है, आपको कह रहा है कि इस नाव की मरम्मत की ज़रूरत है ताकि आप जो है चुनाव रूपी जो 2024 का बतरनी है उसको आप पार कीजिए। लेकिन बीजेपी कल दावे कर रहे थे कि युवाओं के बीच में और या जो नई पीढ़ी आई है उसके बीच में बीजेपी का ही क्रेज है। और देखिए ना, ये तो कहने के लिए कहेगी भाई, बीजेपी को कहने का मौका मिला है। अब बीजेपी मान लीजिए जैसे गुजरात में जीत गई लेकिन हिमाचल में हार गई, तो इसलिए हिमाचल की हार को नहीं देखेंगे, गुजरात के जीत को ही देखेंगे। तो ये तरीका है, वो जीते हैं तो आज उनका उनका जो है बम है वो ढोल पीट रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, वो स्वाभाविक है। वो दावा करेंगे, वो अपना ढोल पीटेंगे, अपना जय जयकार करेंगे, कहेंगे कि सामने वाला गायब हो गया, चित हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि दोनों का जो आधार वोट है जो हम लोग देख रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू का, या दोनों का या कहिए महागठबंधन का जो आधार वोट है वो क्या नाम है, वो इतना मजबूत है, उसको उसने चेतावनी दिया है, उस आधार वोट ने चेतावनी दिया है कि नहीं आप सब कुछ ग्रांटेड मान करके मत चलिए, आप जो है जमीनी जो हकीकत है उसको समझिए, उसको देखिए और उसके अनुसार जो है निर्णय लीजिए, फैसला कीजिए। ये उसने चेतावनी दिया और हमको लगता है कि बैठ के विचार करना चाहिए, और ऐसा नहीं कि दो आदमी ही बैठ के विचार कर लें। ये मानना पड़ेगा कि जो लोग हैं, जो 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 जिन तजुर्बेकार लोग हैं उनके साथ आप 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी के साथ बैठिए, दो दिन, तीन दिन बैठिए और बैठ करके आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। हमको भी संगठन का मैंने तजुर्बा है और लंबे समय तक हम झोला टांग करके राजनीति जो है किया है, और हमने नीतीश कुमार के साथ हम थे क्या नाम है मैंने कई विधानसभा क्षेत्रों में और कई जिलों में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। तो जो काम करने की एक पद्धति थी रही है वो पद्धति भी छूट गई है और हो रहा है कि नहीं साहब जो हम करेंगे वही सब ठीक है, ये नहीं चल सकता है। तो इसलिए हमको ये लगता है, इससे हम निराश नहीं हैं, बल्कि हमको इस मामले में एक ढंग से ठीक ही लगा कि ये ठोकर जो है आगे अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, जो ये तय करेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर दिल्ली की सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए तैयारी जो है इस ठोकर लगने के बाद जो है हम बढ़िया से कर पाएंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। तो आपने शिवानंद तिवारी को सुना जिन्होंने साफ कहा है कि कभी हार भी होना जरूरी है, इसे अहंकार नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।